हूं वीरेंद्र सहवाग। ये स्टेटमेंट कल से जमकर सोशल मीडिया पर वायरल होते जा रहा है। बांग्लादेशी क्रिकेट प्रशंसक अपना मत शाकिबुल हसन के ऊपर रखते हुए नजर आ रहे हैं, तो भारतीय क्रिकेट प्रशंसक अपना मत वीरेंद्र सहवाग को लेकर रखते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों के बीच झड़प भी बहुत तेज हो रही है सोशल मीडिया के बीच, वीडियो पे वीडियो बनते जा रहे हैं, लेकिन किसी ने भी इस मामले की सत्यता जानने की कोशिश नहीं की कि आखिरकार इस वायरल वीडियो की सत्यता क्या है। क्या सच में शाकिबुल हसन ने वीरेंद्र सहवाग का अपमान किया? क्या सच में शाकिबुल हसन ने ये स्टेटमेंट, ये बयान दिया है कि नहीं दिया है? तो आपको अपने इस रिपोर्ट में हम पूरे विस्तार से इस मामले की सत्यता बताएंगे कि आखिरकार शाकिबुल हसन ने बोला क्या उस इंटरव्यू में, उसके मायने क्या निकाले जा रहे हैं, और इस पूरे वायरल वीडियो की सत्यता क्या है। पूरे विस्तार से बताएंगे कि शाकिबुल हसन ने किसी भी तरीके से क्या वीरेंद्र सहवाग का अपमान किया है। ये जो वायरल वीडियोज बनाए जा रहे हैं इस वायरल वीडियो के ऊपर, उस वायरल वीडियो की सत्यता क्या है, क्यों ये प्रोपेगेंडा इस वक्त सोशल मीडिया पर चल रहा है। ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे, कुछ वक्त जरूर लेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, इस वायरल वीडियो की सत्यता जानने से पहले, आप सभी व्यूअर्स से, प्यारे दर्शकों से यही अनुरोध है कि अगर आपको हमारे अपडेट्स पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाँ फेसबुक पेज पर अगर आप वीडियो देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। देखिए, इस वायरल वीडियो के चपेट में मैं भी आया, मैंने भी सुबह सुबह उठा और देखा कि ऐसा कुछ बयान दिया है। बड़े बड़े दिग्गज मैंने मीडिया चैनल्स पे देखे ऐसे वीडियोज कि ऐसा कुछ शाकिब ने बोला है, तो मैंने भी मानवता के तौर पे एक वीडियो बना दिया कि शाकिब को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। लेकिन जैसे जैसे मेरा वीडियो चलता गया तो मुझे लगा कि नहीं, क्या सच में शाकिबुल हसन ऐसा कुछ बयान दे सकते हैं। हाँ, ऑन द फील्ड तो हम जानते हैं कि थोड़ा सा एग्रेसिव नेचर के खिलाड़ी हैं, लेकिन कौन नहीं होता है, कौन नहीं अपने देश के लिए जीतना चाहता है। और शाकिबुल हसन का यही मानना है कि जब भी वो ऑन द फील्ड होते हैं तो वो वार की तरह सोचते हैं मुकाबले को, और हर एक कीमत पर उसको जीतना चाहते हैं, जिस वजह से वो एग्रेशन दिखाते हैं फील्ड पर। लेकिन सब हैरान थे जब ऑफ द फील्ड ये स्टेटमेंट शाकिबुल हसन का वायरल हो रहा था सोशल मीडिया पर कि आखिरकार शाकिब ने वीरेंद्र सहवाग का अपमान किया कैसे। लेकिन ये बात हजम नहीं हो रही थी कि ऐसा कुछ शाकिबुल हसन वीरेंद्र सहवाग जैसे दिग्गज खिलाड़ी के लिए कुछ कर सकते हैं। तो मैंने प्रेस वार्ता का पूरा वीडियो निकाला कि आखिरकार वहां पर क्या कुछ सवाल शाकिबुल हसन से पूछा गया और क्या कुछ वो रिप्लाई देते हुए नजर आए। तो बात करें उस जर्नलिस्ट की, तो उन्होंने पूछा कि वीरेंद्र सहवाग ने आपको सलाह दिया है कि आपके बल्ले से रन नहीं निकल रहे हैं, आप फील्ड पर उतनी अच्छी गेंदबाजी नहीं कर पा रहे हैं, वो शाकिबुल हसन नहीं नजर आ रहे हैं जब से उनका इंटरनेशनल में बैन के बाद कमबैक हुआ है। जिस शाकिबुल हसन को हम जानते थे, अब वो लायबिलिटी बन गए हैं अपने देश के ऊपर, उनको संन्यास ले लेना चाहिए। तो आपका क्या मत है वीरेंद्र सहवाग को लेकर? तो उनको पहले वो स्टेटमेंट जब वो बोलते हैं जर्नलिस्ट, तो वहां पर नाम क्लियरली नहीं सुन पाते हैं, तो बस बोलते हैं हु, वीरेंद्र सहवाग आगे लगाते ही नहीं है। यानी कि इस वीडियो से, इस क्लिप से आप भी देख सकते हैं कि साफ तौर पे सिर्फ और सिर्फ वो नाम पूरी तरीके से नहीं सुन पाते हैं, तो उस नाम को क्लियर करने के लिए वो हु प्रयोग करते हैं। हु वीरेंद्र सहवाग तो कभी पूरे इंटरव्यू के दौरान बोलते ही नहीं है। हु का मतलब कि आप जब किसी चीज को नहीं सुन पाते हैं तो इसको एक बार और रिपीट कराने का प्रयास करते हैं, वही जर्नलिस्ट रिपीट करता है कि वीरेंद्र सहवाग, तो फिर करते हैं वो अच्छा अच्छा ठीक है। तो मतलब कभी अपमान की दृष्टि से उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ उस स्टेटमेंट को, यानी कि उस नाम को फिर से वो जानना चाहते थे कि आखिरकार ये बयान किसने मेरे लिए दिया है। उसके ऊपर एडिटेड वीडियो बनाकर खूब वायरल किया गया, उसके ऊपर कई वीडियो, कई मत डाले गए सोशल मीडिया पर कि भाई शाकिबुल हसन ने बहुत कुछ बोल दिया, बड़ा अपमान कर दिया वीरेंद्र सहवाग का। लेकिन ऐसा कुछ भी शाकिबुल हसन का इंटेंशन उस वीडियो में नहीं दिखा। मैंने पूरा वीडियो देखा, शाकिबुल हसन उसके बाद जब वो हु करते हैं, उनको बताया जाता है कि वीरेंद्र सहवाग, क्लैरिफाई किया जाता है, तो फिर वो अपना मत देते हैं कि खिलाड़ियों को सिर्फ और सिर्फ अपने प्रदर्शन पर ध्यान देना चाहिए। जब हम फील्ड पर उतरते हैं तो यही सोचते हैं कि किस तरीके से 100% मैदान पर अपना दिया जाए, बतौर बल्लेबाज अच्छा खेला जाए, बतौर फील्डर अच्छी फील्डिंग किया जाए, और बतौर गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी किया जाए। ये बाहरी आउटसाइड मैच चलते रहते हैं, इन पर हम खिलाड़ियों को ध्यान नहीं देना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ यही शाकिबुल हसन कहते हुए नजर आते हैं। पूरे इंटरव्यू के दौरान वो वीरेंद्र सहवाग का नाम भी नहीं लेते हैं, तो अपमान कहां से करेंगे। कभी ये बोलते ही नहीं कि हु वीरेंद्र सहवाग,
वो सिर्फ और सिर्फ बोलते हैं हु, यानी कि वो क्लेरिफाई करना चाहते हैं कि वो नाम जो आपने पहले बोला वो नाम उन्होंने प्रॉपरली सुना ही नहीं, तो फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए। सिर्फ और सिर्फ यही वीरेंद्र सहवाग का, शाकिबुल हसन का इंटेंशन होता है, उसको बढ़ा चढ़ाकर, उस वीडियो को एडिट करके, सिर्फ और सिर्फ हु पर रोक कर चीजों को बढ़ाया चढ़ाया जा रहा है। क्लैरिफिकेशन यही है कि पूरे वीडियो में शाकिबुल हसन का इंटेंशन कभी ऐसा प्रतीत ही नहीं हुआ कि वो वीरेंद्र सहवाग का अपमान करना चाह रहे हो या किसी भी खिलाड़ी का अपमान करना चाह रहे हो। उन्होंने तो आगे ये भी बोला कि हम खिलाड़ियों को अपने प्रदर्शन के ऊपर फोकस करना चाहिए, आउटसाइड नॉइज को नहीं सुनना चाहिए। ये सबसे सफल, सबसे सटीक जवाब था जो कि साकिबुल हसन ने काफी मैच्योरिटी दिखाते हुए जवाब दिया। तो भैया जितने भी वीडियो वायरल हो रहे हैं इस वक्त सोशल मीडिया पर, एडिटेड वीडियो है, उन पर आप मत ध्यान दीजिए। सत्यता यही है कि साकिबुल हसन ने पूरे इंटरव्यू के दौरान एक भी सेकेंड वीरेंद्र सहवाग का अपमान नहीं किया। शाकिबुल हसन के इंटरव्यू का जो वीडियो है उसका लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन किया गया है, आप जाकर उस लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं कि आखिरकार मामले का सत्यता क्या है। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर दागिएगा कि आपको क्या लगता है, और सच्चाई और सत्यता यही है, किसी भी बातों पर आप विश्वास मत करिए। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।